अस्सलाम टू व्यूअर्स, मैं हूं जैनुल हसन और आज मैं आपको सिखाऊंगा इंग्लिश रिलेटेड चार बेसिक चीजें। बेस क्या है इंग्लिश की, मैं आज आपको ये बताऊंगा। तो ये मेरा लेक्चर वन है, उम्मीद करता हूं आप नेक्स्ट भी अगले लेक्चर से भी मुस्तफीज होंगे और जरूर फायदा उठाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना वर्क। तो पहले मैं आपको स्टूडेंट्स बताता चलूँ कि इंग्लिश की बेस किन चंद अल्फाज का है। तो बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो ग्रेड फिफ्थ, ग्रेड फोर्थ, ग्रेड सिक्स, ग्रेड सेवन एंड अदर ग्रेड्स यानी अदर क्लासेस के स्टूडेंट्स इस चीज को नहीं जानते। मैंने अक्सर अपनी ऑब्जर्वेशन दी है, मैंने ऑब्जर्व किया है कि सेवन्थ एट के स्टूडेंट अक्सर इन मीनिंग को नहीं जानते। तो मेरा आज पहला लेक्चर है, तो मैं चाहता हूँ कि उन स्टूडेंट्स को फायदा पहुंचे जो बिल्कुल इंग्लिश को पिक नहीं करते। तो चलिए बोर्ड की तरफ चलते हैं। पहला हमारा आज का लेक्चर जो है ये है मीनिंग्स ऑफ कॉमन वर्ड्स। हमारे पास कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके हम आज मीनिंग आपसे शेयर करेंगे, तो अगर इन मीनिंग को सीख लें तो आप काफी हद तक इंग्लिश की बेस को समझ जाते हैं। पहला वर्ड है हमारा आई। आई का मतलब है मैं। आई ये एक लड़का या एक लड़की कोई पर्सन अपनी जात के लिए इस्तेमाल करता है और ये फर्स्ट पर्सन है, इसका मतलब है मैं। यू, यू का मतलब होता है तुम या आप, तुम या आप, यू का मतलब तुम या आप होता है। और नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास वी। वी का मतलब है हम, यानी हम बहुत सारे। शी वो लड़की के लिए इस्तेमाल होता है, ही वो लड़का, यानी शी फीमेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ही मेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह दे है, जब बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं तो उनके बारे में उनके लिए दे का इस्तेमाल होता है, जिसका बन गया वो, यानी जमा इसमें लिखा गया कि बहुत सारे लोगों के लिए दे इस्तेमाल होता है। कैन सकता, कोई काम कर सकता है या कर सकती है, तो कैन का मीनिंग है योर्स, कैन का मीनिंग सकता है, यानी ये मुख्तलिफ सेंटेंसेस में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है एम। एम का मतलब है हूं। आर का मतलब है, वास का मतलब है था और थी, फीमेल मेल दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं, एम भी दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। वन थे और थी जमा के लिए प्लूरल के लिए इस्तेमाल करते हैं, विल और शैल का और की के लिए इस्तेमाल होता है। हैज यानी रखता है या पास है, का मीनिंग है इसका हैज का। हैज का मीनिंग है रखता है या पास है, है रखते हैं या पास हैं। कुट सका या सके, सका या सके। इसके अलावा कुछ वर्ड्स मैंने ऐसे लिए हैं व्यूअर्स जो अक्सर एग्जामिनेशन के दौरान स्टूडेंट्स को क्वेश्चन समझ में नहीं आते, क्वेश्चन का मतलब नहीं आता, क्योंकि वो मीनिंग से अवेयरनेस नहीं रखते, जिसकी वजह से उनको क्वेश्चन आता भी है तो वो छोड़कर आ जाते हैं एग्जाम में। हु का मतलब होता है कौन, व्हाट का मतलब क्या, वेयर का मतलब कहां, व्हेन का मतलब तब जब, विच का मतलब कौन सा कौन सी, हैड का मतलब है रखता था या रखते थे, शुड का मतलब है चाहिए यानी। तो ये वर्ड्स हैं हमारे पास व्यूअर्स जिनको मैं शेयर करना चाहता था। व्यूअर्स अब आप आपको इन वर्ड्स के सेंटेंस बनाकर बताते हैं कि इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो पहला सेंटेंस, पहला वर्ड है आई। आई एम अ बॉय। यू, यू आर पाकिस्तानी। We are Muslim. She is a girl. He is a boy. They are people.
Who are you? What? What is your name? Which is your country? Why are you not speaking? At school. I can read and write. ये थे हमारे इंग्लिश के वर्ब्स और सेंटेंसेस। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आए होंगे और नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं ऐसे ही इंग्लिश के बहुत से टॉपिक्स लाऊंगा जिससे आपको इंग्लिश में इंग्लिश समझने और बोलने में मदद मिलेगी। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट और उम्मीद करता हूँ कि आप एहसान करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसी तरह हम काम करते रहेंगे ताकि आपके लिए फायदेमंद साबित हो।